गुड मॉर्निंग डियर टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड गुड टू सी एवरीबडी वंस अगेन. सो टुडे देर आर मेनी चांसेस दैट यू विल बी आंसरिंग माय ऑल क्वेश्चंस. आई थिंक सो देर आर मेनी चांसेस दैट यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मी बिकॉज द टॉपिक इज सिंपल एंड यू हैव ऑलरेडी डन. Shall I say, most probably you will be answering my all questions. Any guesses which topic we are going to start? There are many chances, I said. Then I said most probably. कि मेरा guess है कि most probably this can happen. You know? Can you guess? Anybody can guess which topic I'm going to start? Yes. First bench. That boy, I can see your hand. Yeah. It's okay. I know I can understand by your raising hand that you are very much confident in answering this, that which topic we are going to start. Probability. Probability, yeah. Excellent. Probability is related to the previous topic we did in the last class. In the last class, we did data handling. In data handling, we did pie chart. Pie chart was a graph in which we predicted ki किसकी पॉसिबिलिटी है किसकी नहीं है बाय सीइंग द पाई चार्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ 360 डिग्री. इज इट? नाउ देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो यू नो रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स ओनली रिलेटेड टू डाटा हैंडलिंग ऑल्सो ओनली यू नो प्रोबेबिलिटी इज नॉट फार ऑफ फ्रॉम डाटा हैंडलिंग. इट इज अ पार्ट ऑफ दैट. हाउ? लेट मी टेल यू वट वी विल डू अबाउट प्रोबेबिलिटी. टू अंडरस्टैंड दैट द टर्म प्रोबेबिलिटी इज अ टूल ऑफ स्टेटिस्टिक्स. वट डू यू मीन बाई टूल ऑफ स्टेटिस्टिक्स? टूल से आप क्या करते हो? वट इज टूल? टूल से कोई ना कोई काम करते हो. घर में टूल्स होते हैं, किचन में टूल्स होते हैं, मम्मा कुकिंग करते हैं, इजंट इट? किसी हॉट चीज को उठाने उसके लिए टूल यूज करते हैं, इज इट? गार्डन में जो गार्डनर काम करते हैं उसके पास कितने टूल्स होते हैं गार्डनिंग करने के लिए, इज इट? फैक्ट्रीज में कितने टूल्स होते हैं? तो सेम वे प्रोबेबिलिटी इज अ टूल ऑफ स्टेटिस्टिक्स. स्टेटिस्टिक्स में क्या करते हो? आप डेटा को कंट्रोल करते हो. लास्ट टाइम हमने बोला था कि हमने डेटा कलेक्ट किया ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे घर से स्कूल कैसे आते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का हमने पूरा डाटा कलेक्ट किया और उसको फिर हमने बार ग्राफ में कलेक्ट कर दिया, उसको दिखा दिया ग्राफिकल फॉर्म में. तो उसको जब अरेंज किया तो बाय सीइंग द ग्राफ हमें पता चल गया कि कौन से बच्चे कैसे आते हैं. तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो अ टूल ऑफ स्टेटिस्टिक्स. हमें ये पता चल जाता है, प्रोबेबिलिटी से हमें पॉसिबिलिटी पता चल जाती है. ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर लिया, डाटा हैंडलिंग में हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है? तो हमें उसको रीड करके ये पता चल गया कि हमें पॉसिबिलिटी अभी नेक्स्ट फ्यूचर में पॉसिबिलिटी इसकी क्या है. कोई डिजीज है, हमने उसको चेक करना है कि वो कितनी स्प्रेड होने वाली है, ठीक है? वी विल यू नो यूज द मेडिसिन. डॉक्टर्स क्या करेंगे? मेडिसिन से अप्लाई करेंगे. दे विल सी कि मेडिसिन का कितना इंपैक्ट है डिजीज के ऊपर, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि डिजीज डाउन होएगी या अप होएगी, राइज करेगी या फॉल करेगी. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टूल विच इज यूज टू रीड द डेटा. ओके, प्रोबेबिलिटी का पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या है आगे. देन टू ग्रेस्प द आइडिया दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट कैन बी मेजर्ड. पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज एन इवेंट? सपोज आपने कॉइन टॉस किया. कॉइन में सबको पता है, एवरीबडी हैज सीन, हेड होती है या टेल होता है कॉइन. तो हेड या टेल, हमें पता है कि पॉसिबल आउटकम या तो हेड आएगा या टेल आएगा. इट हार्डली हैपन्स कि कॉइन जो है स्टैंडिंग हो गया, हार्डली हैपन्स. ओके, मोस्ट प्रोबेबली फ्लैटली फ्लैटली फॉल करता है और उसका पता चल जाता है कि आइदर हेड आएगा या टेल आएगा. सो उसकी अक्रेस उसको मेजर कर सकते हैं. वी कैन मेजर दैट ऑल्सो. इट्स नॉट दैट कि आपने देखा होगा मैचेस में दे टॉस द कॉइन. ओके, दे सी कि विच टीम विल प्ले फर्स्ट और विच टीम विल यू नो डू द बैटिंग फर्स्ट. सो दैट वे टू अंडरस्टैंड दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू सी द आउटकम. रैंडम एक्सपेरिमेंट, वी हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू सी द आउटकम. किसी की आउटकम हमने देखनी है, ठीक है? आपके पास बैग है, 100 बॉल्स हैं उसके अंदर, यू वॉन्टेड ओनली रेड बॉल, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना, बॉल्स निकालनी पड़ेंगी. सो
सो रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज टू बी परफॉर्म्ड टू सी द आउटकम. आउटकम मतलब जो चीज आपको चाहिए. देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वली लाइकली? एनीबडी? फाइन, आई कैन सी वन हैंड, प्लीज टेल मी. And the events that have an equal chance of happening. Equal chances. Any example? But like if you toss a coin, you can either get heads or tails. Yeah, yes. Yeah, thank you, Bachin. Very nice. I must elaborate it. I must tell you in detail ki how it happens. Why equally likely? Yes, everybody knows ki head ya tail to aayega hi. Possibility hai. Equally likely, likely ka kya matlab hai? Ki agar aapne coin ko 5 times toss kiya, theek hai, 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. तो हो सकता है आपके पास दोनों टाइम में हेड और फर्स्ट टाइम में हेड आ गया, नेक्स्ट टाइम टेल आ गया, फिर नेक्स्ट टाइम टेल आ गया, नेक्स्ट टाइम हेड आ गया, नेक्स्ट टाइम फिर से हेड आ गया, नेक्स्ट टाइम फिर से हेड आ गया, फिर नेक्स्ट टाइम टेल आ गया, टेल आ गया. तो मतलब इक्वली लाइकली दोनों की काउंटिंग सेम हो रही है. अप्रोक्सीमेट, दे आर क्लोजर टू इच अदर. यू नो, हेड की भी टेल की प्रोक्सीमिटी जो है वो फॉलिंग की, वो सेम आ रही है. आउटकम उनकी सिमिलर आ रही है. कोई 4 आ रहा है तो कोई 1 आ रहा है, कोई 3 आ रहा है, कोई 2 टाइम्स आ रहा है, कोई 2 टाइम्स आ रहा है तो दूसरा 3 टाइम्स आ रहा है. दे वेरी क्लोजली रिलेटेड टू इच अदर, तो वी से इक्वली लाइकली. फाइन, देन द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपने ये एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल मीन्स कि आपको चाहिए क्या, आपको रेड बॉल चाहिए या ग्रीन बॉल चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 100 बॉल्स है तो 100 टाइम्स आ सकती हैं बाहर. 100 टाइम्स यू कैन टेक आउट. फाइन, देन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट. व्हाट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट? जो होती नहीं है. एनी एग्जाम्पल? An event which cannot happen. यू कैन नॉट हैपन. एनी एग्जाम्पल? I'm like I will be younger tomorrow than today. आई विल बी Younger tomorrow than today. यस ऑफकोर्स, विच इज इम्पॉसिबल थिंग. वेरी नाइस, वेरी गुड एग्जाम्पल यू हैव गिवन. वेरी गुड. So probability of anything which is not possible to happen. Yeah, she also wants to say something. Please speak loudly. One more example is that that sun rises from west. Yeah, yeah, it can't happen. Yes, impossible. जो आप सपने में मतलब it can't happen at all anytime. Possibility is zero. Probability will be zero. So now I must tell you where we use it. Probability. आपको इजी लग रहा होगा, थोड़ा टॉपिक इजी है भी है, बिकॉज आपने 7th में भी थोड़ा सा पढ़ा था, फिर 8th में भी थोड़ा पढ़ोगे, फिर 9th में भी पढ़ोगे. यू नो, प्लस टू तक चलता है ये टॉपिक. एंड दिस इज द बेसिक. अभी जो पढ़ रहे हो दिस इज वेरी वेरी बेसिक. फाइन, सो व्हाट इज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स? प्रोबेबिलिटी की जो है आप यूज कर रहे हो टॉपिक, इसका बायोलॉजी से क्या रिलेटेड है, रिलेशन है? यू नो, बायोलॉजी से क्या रिलेशन है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रेट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, फैमिली में यू नो बच्चों का यू नो हाइट, कलर ऑफ हेयर, आई साइट या आई कलर, इट मैचेस विद पेरेंट्स, इज इट? इट मैचेस ना. सपोज आई इफ आई एम ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, इफ आई सी समबडी ऑल्सो, बिल्कुल लगेगा कि इसको कहीं देखा हुआ है. देन आई कम टू नो, ओके वो कर्नल समथिंग, वो कर्नल यादव थे, उनका बेटा था वो. You know, I come to know. So that way I can relate by seeing the, you know, usko structure, usko dekke, uska characteristics dekke, I can understand ki this boy belongs to him. Fine. So possibility ho jati hai. If I'm guessing something, it means I have a possibility. Fine. There is a probability ki unka beta hai. Fine. And this is very, these are very common examples. You read in books also. कि आपका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स. मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स भी हो सकती हैं. ओके, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस. जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, जब तक आपने डाई को थ्रो नहीं किया, आपको नहीं पता कि उसकी आउटकम क्या आने वाली है. ठीक है, अब मोर देन वन तो हो सकता है. जब आपने डाई थ्रो की तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है. आई डोंट नो, व्हेन वी वर यंग तो हम बहुत खेलते थे ये वाली गेम. आई डोंट नो अभी आप खेलते हो कि नहीं, बट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम, इंडोर गेम आई शुड से. तो आई थिंक कोविड के टाइम में भी लोगों ने काफी खरीदा था, मार्केट में काफी सेल हुई थी ये कैरम बोर्ड और ये सारी गेम्स ना. कि पॉसिबिलिटी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन विन करने वाला है या मेरे कितने चांसेस आने वाले हैं.
Fine. Then some examples of random experiment you have read in book also. Very common are tossing of coin, that you know already. Aapne example bhi diya. Then it is throwing a die. Just now I spoke to you. Then drawing a card from a deck of cards. Deck of cards mean how many cards are there? Anybody? Everybody knows? Everybody knows. 52. Very good. So there are 52 cards. So there is a possibility of any card. They can ask about queen. They can ask about jack or whatever. Then drawing a marble from a bag. I told you earlier also, bag mein I have so many balls, I have so many marbles. Which color I want, I have to perform an experiment. Fine. Then, you know, real life mein, ye to aapki common example jo aapne books mein already padha hua hai, aapko pata hai ki ye hota hai. Theek hai, normal bachcho ko bhi pata hota hai, chote bachcho ko bhi. Then real life applications. अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस में मेडिकल रिसर्च में प्रोबेबिलिटी यूज होती है. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कोई डिजीज हमने देखनी है, डॉक्टर चेक की इसका जो है हमने जो मेडिसिन बनाई है उसका क्या. दे डू द पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज देखते हैं कि हमने प्रीवियस मंथ में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका क्या रिजल्ट आया था, आज जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आया है, और फ्यूचर में क्या आने वाला है. लॉन्ग टाइम के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, उसको पता चल जाएगा कि मेडिसिन इज इफेक्टिव और नॉट. फाइन. देन फाइनेंस. फाइनेंस में कैसे, कोई भी हमने बिजनेस है, मनी लगाई है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है. इज इट, यू डोंट नो कि मैंने जो मनी यूज किया मेरे बिजनेस में वो मेरे को मतलब कि प्रॉफिट देगी या लॉस देगी. देयर आर मेनी चांसेस ऑफ एनी केस. देन सी वर्ल्ड कप मैच देखते हो आप, देयर आर मेनी चांसेस कि कौन सी टीम जो है वो लूज करेगी, कौन सी टीम विन करेगी. जब सचिन तेंदुलकर था तो देखते थे कि अच्छा ही इज देयर, ओ दिस टीम विल विन. इज इट, सो देयर आर पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज आर देयर. रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में कितना आता था कोई सुनामी आता है तो प्रिडिक्शन हो जाती है ना पहले से, तो पी करवा लेने चाहिए. बिकॉज पॉसिबिलिटी इज देयर कि वाटर कैन एंटर इनटू देयर विलेज, वाटर कैन एंटर इनटू देयर हाउसेस, इट कैन डैमेज द प्रॉपर्टी. इज इट, सो दीज आर ऑल गेसेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट और ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनको देख के दे कैन गेस कि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, या इट इज गोइंग टू हैपन इन जून और जुलाई. दे ऑलरेडी टेक प्रिकॉशंस. फाइन. देन वेदर फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग, यू कम टू नो रेन इज गोइंग टू हैपन, जैसे आज हो रहा है मौसम इज लाइक दिस, तो मतलब यू कम टू नो कि इट विल बी रेनिंग. स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज, चांसेस, कुछ भी बोल दो इसको. अंडरस्टूड बच्चे? सो लेट स्टार्ट आर वर्कशीट, दैट मॉड्यूल 3 विच इज ऑल रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. ऑल राइट, तो अब आपके पास यू आर रेडी, यू हैव मेनी स्टोरीज टू टेल, यू आर गोइंग टू आंसर मी फॉर दैट. ओके फाइन, लेट अस सी मॉड्यूल 3. यू कैन सी हियर बच्चे, I'm reading the question and I told you last time also, please pen down, please underline the important things. In a survey of 200 ladies, it is found 18 dislike it. Fine, आपको underline कर लेना चाहिए जल्दी से कि 82 like and 118 dislike. बहुत important numbers हैं ये जिनको हम use करने वाले हैं. Please underline them. From these ladies, one is chosen at a random. कि एक lady को हमने choose करना है उसमें से. अभी dislike coffee को please circle कर लो क्योंकि ये चीज हमने find out करनी है. हमें liking से कुछ मतलब नहीं है, अभी हमें disliking से मतलब है. डिसलाइकिंग को सर्कल कर लो जिसका हमने आंसर करना है, क्योंकि आई हैव सीन दैट मैं लाइकिंग का आंसर बता देते हैं जबकि डिसलाइकिंग का पूछा हुआ है. शैल आई आस्क राघव? राघव आर यू देयर? आई वांट टू. ओके ओके, एनी अदर चाइल्ड? आयुष? ओके फाइन. 59 अपॉन 100. कैन यू टेल मी हाउ डिड यू फाइंड? या प्लीज सेंड. मैम बाय डिवाइडिंग 118 अपॉन 118 बाय 200. या वी आर टॉकिंग अबाउट डिसलाइकिंग, तो डिसलाइकिंग को ही देखना है बस. डिसलाइकिंग टेल्स अस कि हमें सिर्फ वही चाहिए. डिसलाइकिंग का मतलब है कि डिसलाइकिंग सेज कि हमें सिर्फ 118 से मतलब है और टोटल से मतलब है. फाइन, ही सेड 118 प्लस 59 बाय 100. यू नो बेटा, अब ये देखो 59 बाय 100 तो आपके पास आ गया एंड यू हैव सीन द ऑप्शन कि चलो ये मैच कर रहा है. सम टाइम सिंस यू आर ग्रोइंग अप, सम टाइम ऑप्शन कैन कम इन दिस वे आल्सो 0.59. सो बी केयरफुल. ठीक है, अभी ऑप्शन है वैसे ही आपने आंसर करना है, आई मीन टू से, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं. फाइन, सेकंड क्वेश्चन. इन अ स्कूल, प्लीज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स. आई टोल्ड यू व्हाट आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स. इन अ स्कूल ओनली 3 out of 5 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन. अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को आगे यूज करना है, क्योंकि ये गिवन है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट मेक इट टू द कॉम्पिटिशन. ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट आई नो, 3 out of 5. या दिस इज अ वेरी सिंपल, 2 out of, आई हर्ड समबडी, 2.5 इट्स 0.4. 0.4, 2.5 is 0.4 because mereko ye decimal mein answer chahiye tha, because option mere pas decimal mein thi. Very good, so it is 0.4. 2 by 5 is very simple number. Fine, third is again important question. Hold on your pens, be ready for that. What is given, please underline. What is to be asked, please circle it. Theek hai, make it a habit.
इट विल हेल्प यू लॉट, बिकॉज इन सम क्वेश्चन दे आस्क यू यू नो प्रोबेबिलिटी को छोड़ो, अगर बाकी टॉपिक्स में भी एक से ज्यादा चीजें भी पूछी होती है. मैंने देखा सम फ्यू चिल्ड्रन यू नो दे राइट द आंसर एंड दे मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे फॉरगेट कि दो चीजें पूछी थी, दूसरे का तो आंसर ही नहीं दिया. लेटर ऑन जब मार्क्स कटते हैं दे कम टू नो कि ओ माय गॉड आई न्यू बट आई डिडंट डू. सो बी वेरी केयरफुली प्लीज सर्कल. एक क्वेश्चन पूछा है तो एक को सर्कल यू नो ग्लांसिंग योर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इज इट नॉट, तो इमीडिएटली आपको क्लिक हो जाएगा नहीं नहीं आई हैव टू डू फर्दर ऑल्सो. सो रोहन एंड शालू आर प्लेइंग विद फाइव कार्ड्स एज शोन इन द फिगर. कैन यू सी देयर फाइव कार्ड्स एंड फ्यू नंबर्स आर ऑल्सो रिटन देयर 4, 1, 2, 3. रोहन पिकिंग अ कार्ड विदाउट सीइंग दैट हैज द नंबर 2 ऑन इट. कंडीशन भी दी हुई है. अब 2 को सर्कल करो कि नंबर 2 आई वॉन्ट टू सी नॉट एल्स. आई आई कैन सी कैन आस्क राधिका या 2/5 या 2/5 बिकॉज 2 नंबर के. कैन यू सी 2 नंबर के 2 कार्ड्स है वहां पे. तो 2 आउट ऑफ टोटल. यस मैम Figure is not visible. फिगर इज ओ ओके दिस इज लाइटर ओके हु फॉर एवरीबडी इट Yes, इज दिस ma'am. लाइक दिस ओके ओके आई शैल ड्रॉ इट हियर टू गेस. आई विल ड्रॉ फाइन इट इज लाइक दिस देयर इज अदर कार्ड लाइक दिस देयर इज अदर कार्ड वन मोर कार्ड इज हियर. ठीक है तो इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 4. इट इज 1 इट इज 2 इट इज 3 एंड इट इज 2. दिस इज अ पैक ऑफ कार्ड्स. ठीक है यू कैन सी वेरी क्लियरली कि 2 जो है ना दो नंबर पे आ दो कार्ड्स पे आ रहा है. तो चांसेस आर कि दोनों 2 नंबर हमने देखने हैं तो ऑफकोर्स चांस क्या होगा. आंसर टू नाउ पॉइंट मैं आई कैन फाइव सी मेनी हैंड्स 2/5 यस बिकॉज देर आर 2 कार्ड्स दैट्स व्हाई फाइन. सो दिस इज अ पिक्चर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज अंडरलाइन देम मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स वी आर गोइंग टू यूज 4 रेड एंड 2 येलो बॉल्स. द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर. ठीक है क्योंकि जब आप बैग में हाथ डालते हो तो हो सकता है आप उनको देख नहीं रहे हो बट हैंड से उसको फील कर रहे हो तो उनकी सबकी सेम शेप है. अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इन टू द बैग. ठीक है ड्रॉन फ्रॉम द बैग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल 2/3 2/3 मैम या टोटल आर हाउ हाउ 2/3 प्लीज टेल मी हु टोल्ड. नंबर ऑफ आउटकम्स आर 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो टोटल आर 6 या द प्रोबेबिलिटी फोर रेशियो या एक्सेलेंट 4/6 बिकॉज टोटल हमारे पास दिया हुआ था ये 4/6. 4 हमारे पास रेड बॉल्स हैं एंड दे आस्क अबाउट द रेड बॉल्स प्रोबेबिलिटी. तो 4/6 व्हेन वी कट इट बिकम्स 2/3. सो 2/3 इज द आंसर फाइन यू कैन टिक मार्क इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चंस. फर्स्ट एट द बर्थडे पार्टी द चिल्ड्रन स्पिन अ व्हील टू गेट अ गिफ्ट. इट हैपेंस यू नो जब आप फेयर में जाते हो ऐसी गेम्स होती है ना रोटेट द यू नो वहां पे देखना होता है कि किस पे आपकी फॉल करती है. हुपला वाली गेम्स भी होती है कि किसके ऊपर आपका हुपला फॉल करेगा तो वो आपकी दैट विल बी गिफ्ट फॉर यू. आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. कैन यू सी दिस पिक्चर बच्चे प्लीज रेज योर हैंड. कैन यू सी दिस पिक्चर वेरी क्लियरली और शैल आई ड्रॉ. वेरी नाइस इट इज क्लियर टू यू प्लीज हैंड्स डाउन और यू आर यू वॉन्ट टू टेल मी आंसर फाइन. वट वट इज द प्रॉबिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल एज अ गिफ्ट. इज इट 1/4 1/4. टेल मी द प्रीवियस नंबर ऑल्सो 1/4 कैसे आया. मैम बिकॉज़ द टोटल गिफ्ट्स आर 8 एंड मैम 2 बॉल्स आर देयर मैम टू बॉल्स आर देयर 2/8 इज 1/4. वेरी सिंपल. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टॉय कार एज अ गिफ्ट. हाउ मेनी टॉय कार्स आर देयर. हाउ मेनी 3/8. देर आर 3 कार्स एंड वेन वी डू 3/8 इट बिकम्स 8 आर टोटल एंड 3 आर कार्स. तो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी और तो कुछ हो ही नहीं सकता. फाइन वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी टॉय एक्सेप्ट अ चॉकलेट. मैंने चिल्ड्रन को आई वॉन्ट टू आस्क ऋषभ. ऋषभ आर यू देयर. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी टॉय एक्सेप्ट अ चॉकलेट. या 7/8 7/8. वेरी गुड एक्सेलेंट. सिट डाउन प्लीज टिक मार्क इट. दिस वाज सिंपल क्वेश्चन आई गेस यू डिड इन 7th ऑल्सो फाइन. नेक्स्ट जो केस स्टडी है इट इज ऑल्सो सिमिलर बट उसमें आंसर थोड़े से सोचने वाले हैं. प्लीज बी केयरफुल ओके. यू नो कई बार ऐसे एग्जाम में भी होता है कई बार हम क्वेश्चन ठीक कर देते हैं ना बिगनिंग आप क्वेश्चन करना शुरू करते हो. एग्जाम में क्या होता है यू स्टार्ट डूइंग द पेपर जैसे ही फर्स्ट 5 क्वेश्चन ठीक 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 आपको आते जाते हैं ना यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ अरे मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हो गए. तो 6th पे जाके थोड़ा सा हो जाता है कि ओ दिस वॉज लिटल मेरे को आई हैव टू काम डाउन यू नो
कि अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा थॉटफुल प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है सोचने के लिए, ठीक है? तो वी शुड नॉट बोस्ट ऑफ आवर सेल्फ कि मेरे को तो सब कुछ आता है, या मेरे को तो सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आगे भी ठीक होंगे. यू नो, बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है? बिकॉज वी हैव टू अप्लाई आवर ब्रेन अगेन एंड अगेन माइन्यूटली. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, डाइव इन टू द क्वेश्चन मीन्स वी हैव टू सी द क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली, कि क्या पूछा गया है, क्या दिया था, क्या यूनिट लिखनी है, हाउ टू परफॉर्म, डिवाइड कितना करना है, लोएस्ट टर्म में कैसे करना है. तो एवरी थिंग इज टू बी सीन वेरी केयरफुली टू स्कोर गुड मार्क्स. फाइन, सो केस स्टडी लेट मी रीड, यू ऑल्सो रीड इन योर शीट. अ सर्वे वॉज टेकन एट अ हाई स्कूल एंड द रिजल्ट वर पुट इन अ सर्कल ग्राफ. सर्कल ग्राफ, पाई चार्ट, यू डिड लास्ट टाइम, यू रिमेम्बर? यू रिमेम्बर? यस, वेरी नाइस. फाइन, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू लिस्ट देयर फेवरेट कलर्स, फेवरेट कलर्स बताने थे अपने, एंड द मेजरमेंट ऑफ ईच सेंट्रल एंगल इज शोन. सेंट्रल एंगल्स आर गिवन, आई होप इट इज विजिबल इन डायग्राम. सेंट्रल एंगल्स आर यू एबल टू सी, और शैल आई ड्रॉ? नो, ओके, आई विल राइट इट. लेट मी ड्रॉ इट हियर. दिस इज अ सर्कल. फाइन, देर इज अ ब्लू ओवर दिस साइड, देन विजिबल है आपके, वो होगा प्रॉब्लम इसका, डिग्री का दैट आई मेंशनिंग हियर. सो इट इज ब्लू कलर, दिस इज रेड कलर, एंड देन इट इज येलो कलर, द कलर विच आई एम यूजिंग, देन इट इज ग्रीन कलर, एंड दिस वन इज ऑरेंज कलर. एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको नहीं दिखती है शायद उसमें, वो है डिग्री, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच कलर. लेट मी राइट डाउन हियर, ब्लू 2 डिग्री, ब्लू. देन रेड का है 36 डिग्री, येलो का है 72 डिग्री. ये सेंट्रल एंगल आप यूज करने वाले हो अभी, प्लीज मेंशन एवरीथिंग आउटसाइड द सर्कल ओनली, क्योंकि अंदर फिर ना वो इट बिकम वेरी क्लोज और वो विजिबल नहीं होता है. देन ग्रीन कलर, ग्रीन कलर इज 14. कैन यू सी, सबसे मैक्सिमम प्लेस जो है ऑरेंज कलर ने ली हुई है, तो इट हैज अ मैक्सिमम एंगल 144. सो प्लीज यू कैन राइट डाउन दिस ऑल, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 एंगल्स. प्लीज चेक आफ्टर राइटिंग, हैव यू नोटेड ऑल 5? ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज. एंड एवरीबडी नोज व्हाट इज अ कंप्लीट एंगल इन अ पाई चार्ट, जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, 360 डिग्री. यस, वेरी नाइस. नाउ आई मस्ट कॉल द नेम्स. यू नो, मुझे लग रहा है ये बार बार सेम स्टूडेंट्स मेरे को आंसर नहीं करेंगे. आई लेट मी टेल, कॉल द नेम्स, ओके? बिकॉज आई वॉन्ट की कंसेप्ट शुड बी क्लियर द नेम ऑल्सो, कि किसी को डाउट है दे कैन आस्क मी, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल. आई डोंट वॉन्ट कि आपकी इसमें मार्क्स कटने चाहिए. जो चीज आपको सिंपल लगती है ना बेटा, उसको तो बस मतलब छोड़ना ही नहीं है. 1% भी डाउट है ना, प्लीज आस्क एट दैट टाइम ओनली, पूछ लूंगा, या फिर मैं क्लास में जाके पूछ लूंगा, अपने फ्रेंड से पूछ लूंगा, या ट्यूशन में पूछ लेंगे, मामा से पूछ लेंगे. इज इट माई चिल्ड्रन व्हेन दे यूज्ड टू गो टू स्कूल, आई यूज्ड टू टेल देम प्लीज क्लियर योर डाउट्स इन क्लास ओनली, इवन दो आई एम देयर टू हेल्प, इट्स ओके. बट आई डोंट नो व्हाट टीचर आस्क यू द क्वेश्चन. यू नो, मेरे को नहीं पता होता कि मैम ने आपसे क्या क्वेश्चन बताया. मैम को, आप बी केयरफुल बच्चे, डोंट हेजिटेट टू आस्क, सेंड एंड यू कैन क्लियर योर डाउट. सो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेट कलर बीइंग रेड? अ फेवरेट कलर है, फेवरेबल इवेंट, मैंने बताया ना फेवरेबल इवेंट, कि मुझे क्या चाहिए, फेवरेट रेड कलर. या लेट मी कॉल द नेम प्लीज, ओके? ऋषभ, ऋषभ बंसल, 0.1 0.1. हाउ इट इज कम, क्योंकि 0.1 तो आपने कैलकुलेट किया होगा ना बेटा. ओके फाइन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, सिट. हु विल एक्सप्लेन मी? शैल आई कॉल अदर नेम? प्रणव, प्रणव शर्मा, कैन यू एक्सप्लेन मी, और इफ देर इज एनी डाउट आई कैन एक्सप्लेन. मैम, बिकॉज़ द रेड कलर इज 33, यस, सो इट इज 20 एक्सेलेंट, वी डिड लास्ट टाइम आल्सो. 36 डिग्री, वी आर टॉकिंग अबाउट रेड कलर. बाकी सब कलर्स को हाइड कर दो, यू नीड नॉट सी अदर कलर. क्वेश्चन क्या है, सिर्फ रेड कलर. मैंने आपको बताया कि जो आपसे चीज पूछी गई उसको सर्कल करो, ताकि कुछ और दिखे ना आपको. सिक्स है तो 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, व्हेन वी कट इट, इट बिकम्स 1/10, विच विल गिव मी आंसर ऑफ 0.1. डोंट मग अप द थिंग्स, ठीक है? अगर 0.1 आया तो उसका कोई प्रीवियस रीजन होगा ना, 1/10 आया तो उसका भी कोई रीजन होगा, डायरेक्टली तो आंसर नहीं आता ना. एनी डाउट एनीबडी? सो फोकस, व्हेन रेड कलर इज आस्क्ड प्लीज फोकस ऑन रेड कलर, व्हेन येलो कलर इज आस्क्ड फोकस ऑन येलो कलर. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेट कलर बीइंग ब्लू एंड ग्रीन? प्लीज सर्कल ब्लू एंड ग्रीन, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है. ब्लू एंड ग्रीन, एंड का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय एंड? या आई कैन सी फ्यू हैंड्स मैम, प्लीज गिव देम माइक पीछे. व्हाट डू मीन बाय एंड? आंसर भी 0.1 आंसर बच्चे, डोंट टेल मी आंसर, आई एम आस्किंग यू ब्लू एंड रेड का मतलब क्या है. मैम, सम सम, किसका सम?
ब्लू एंड रेड का सम मतलब कि दोनों का टुगेदर, बोथ टुगेदर, दोनों को इकट्ठा देखना है, यानी कि आइदर रेड और नहीं है वहां पे, वहां पे एंड है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमारे पास और भी आने वाला है, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस। एंड को सर्कल करो क्योंकि हमें ब्लू और ग्रीन को ऐड करना है, ऐड करना है मतलब दोनों को टुना है। कैन यू सी हियर दीस टू आर ब्लू एंड ग्रीन टेकन टुगेदर, इट मीन 72 डिग्री प्लस 36 डिग्री। पहले मुझे इनको टुगेदर लेना है, एंड को सॉल्व करना है पहले, ठीक है। टुगेदर आंसर विल बी 108। सो इसको फिर हमने 360 से डिवाइड करके चेक करना है कि उसका द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद मेरे को डेसिमल भी निकालना है क्योंकि ऑप्शंस तो डेसिमल में है। इज इट ओके? फाइन, लेट मी आस्क वी प्रताप। वी प्रताप आर यू देयर? आई वांट टू आस्क व्हाट इज 108 अपॉन 360, इसकी ऑप्शन किससे मैच कर रही है? 0.3 0.3। कैन यू टेल मी द फ्रैक्शन ऑल्सो बिफोर दिस? व्हाट वॉज द फ्रैक्शन? हम 0.3 3.360 थ्री अपॉइंट टेन, या 108 अपॉन 360 जब आपने काटा तो वो आपका ये बना 3.10, और 3.10 अपॉन 10 से 0.3। एनी डाउट एनीबडी? बी केयरफुली कि यहाँ पे हमने दो कलर्स इकट्ठे लिए थे बिकॉज एंड वॉज मेंशन। प्लीज मार्क इट, बी ऑप्शन 0.70, सॉरी 0.3, सॉरी 0.3। फाइन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, और अभी एंड नहीं है, अभी और है, सर्कल करो उसको, वेरी प्रोमिनेंट थिंग वी हैव टू ऑब्जर्व, ठीक है। रेड और ब्लू, ना तो वो रेड होना चाहिए, नॉट बीइंग, नॉट बीइंग मींस कि ना तो वो रेड होना चाहिए ना वो ब्लू होना चाहिए, मेरे को ऐसा कलर चाहिए कि रेड और ब्लू को आई डोंट वांट टू सी, ठीक है। इट मींस आई वांट टू सी व्हाट? अदर कलर्स, अदर जितने भी कलर्स हैं आपके पास उनको देखो, रेड और ब्लू को छोड़ के। तो कौन कौन से होंगे वो? ग्रीन होगा एक तो, ऑरेंज होगा और येलो होगा, तीन कलर्स है मेरे पास उन दोनों को छोड़ के, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। कौन से? ऑल टुगेदर दे शुड बी ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो। सेम क्वेश्चन, ऐड देम एंड डिवाइड बाई 360। आई एम गिविंग यू क्लू, या आई कैन सी योर हैंड। लेट मी आस्क फ्रॉम अदर सेक्शन, आई वॉन्ट टू आस्क डॉली, आई वॉन्ट टू आस्क गर्ल्स ऑल्सो। डॉली आर यू देयर? जस्ट आई एम नॉट आस्किंग योर आंसर क्योंकि इट टेक्स टाइम, यू नो, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यू टेल मी द मेथड कि करना क्या है इसमें। मैंने आपको बताया कि रेड और ब्लू को नहीं देखना। आई वॉन्ट टू आस्क यू द मैथड, नॉट द आंसर। मैचिंग तो आप कर ही लोगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। इट्स ओके डॉली, आर यू टेलिंग मी? वेरी गुड, या इट इज एक्सेलेंट। एक्सेलेंट, या 250। मैंने आपको, या शी इज टेलिंग मी करेक्ट मैथड, आई आस्क ओनली 60। एक्सेलेंट, प्लीज सिट डाउन, आई आस्क यू द मैथड। एंड फर्स्ट बॉय इज रेजिंग हिज हैंड, आई थिंक ही हैज फाउंड द आंसर। फर्स्ट बॉय, दिस टॉल बॉय, या आई कैन सी योर हैंड। आप काफी देर से आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, यू कैन 0.70। वाई इट इज 0.70 नॉट 0.7? जब आपने डिवाइड किया होगा तो 0.7 आया होगा वैसे, है ना? तो वाई इट इज 0.70? इज इट ऑल राइट? या दे आर सेम थिंग? एवरीबडी अग्रीज कि द सेम थिंग? कई बच्चे इसको बोलते हैं 0.70, बट इट इज नॉट 70, इट इज 70। डेसिमल काउंटिंग में नहीं लेते हैं। आई हैव टू इग्नोर दिस जीरो एंड इट इज सेम एज 0.7। आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन, यू नो, 9th क्लास में, 10th क्लास में भी दे से, मैम 0.70 इज द आंसर, 70 इज नॉट द आंसर, 0.7 इज द आंसर। चेक, उसने 0.7 ही रहना है। प्लीज क्लियर दिस डाउट एवरीबडी। ओके बच्चे, फाइन, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेवरेट कलर नॉट बीइंग ऑरेंज और ग्रीन? सेम क्वेश्चन है बेटा ये, नॉट बीइंग ऑरेंज और ग्रीन सेम क्वेश्चन है, थर्ड जैसा ही है। तो ऑफकोर्स यू विल बी सीइंग ब्लू, रेड एंड येलो। आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क, फोर्थ जो है वो थर्ड जैसा ही है, एंड आई डोंट थिंक कि किसी को अभी डाउट होगा। आर यू टेलिंग मी आंसर? ओके, द बॉय हैज स्टूड अप। टेल मी, टेल मी, हाइगो या 0.50, यस, वेरी गुड, या इट वॉज सिमिलर ओनली। फाइन, लेट अस मूव टू असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। अभी आपकी वो असर्शन रीजनिंग में क्या होता है, क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि जो भी आपने प्रॉब्लिटी के बारे में समझा है अभी तक, उसको अभी हमने थियोरेटिकल फॉर्म में अप्लाई करना है। अभी आप लिए मेरे को, नाउ आई कम टू नो कि आपको प्रॉबिलिटी का एग्जैक्टली मीनिंग समझ आया कि नहीं, कि वेयर वी यूज, हाउ वी यूज, विच फॉर्मुला वी पुट, वाई इट इज जीरो, वाई नॉट जीरो, वट आउट, ठीक है। लेट अस सी assertion on the toss of a kata paoge it is true or false on the toss of a coin the chances of getting a head is 1 upon 3 let me ask mehak mehak are you there it's okay so this boy is raising his hand many times now i want yeah please tell me this is false why reason it's okay you don't know ma'am iska na this boy is raising his hand many times First bench pe na, I can see him, this tall boy. Yeah, please stand. I One wanted to upon ask him. three. 1 upon 3, it should be 1 upon 2, you said, is it? 1 upon 3 is correct. One How?
How? How is Because it one point possible? will come as that tossing a coin can 50% head and Yeah, 50% yes. tails. So it will be true or false? False. False, yes. Excellent. Please sit down. I'm happy to ask you, and so you are, so anxious to answer me. Many times you raise your hands, and thank you for answering correctly. And this on the toss of a coin, coin में आपको थ्री तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को देखना है. टोटल हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज हैं, तो थ्री तो पॉसिबल ही नहीं है कि थ्री आ जाए. टू ही आएगा डिनोमिनेटर में, ऑफ कोर्स. सो इट इज फॉल्स. रीजन इज इफ ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैज सम चांसेस ऑफ अकरिंग, या इक्वली लाइकली. काफी बच्चों ने मेरे को बताया था. अवनी, कैन आई आस्क, अवनी कैन यू एक्सप्लेन मी, इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, या प्लीज प्लीज सिट डाउन. वेरी गुड. इट इज ट्रू बिकॉज इफ ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैज सेम चांसेस ऑफ अकरिंग, सेम चांसेस उसके बन रहे हैं. जैसे मैंने आपको वो कॉइन वाला एग्जाम्पल दिया था बिगनिंग में, कि फाइव टाइम्स जब उस क्लोजली आएंगे, थ्री टाइम्स हेड आ गया, टू टाइम्स टेल आ गया, कभी टू टाइम्स हेड आ गया तो थ्री टाइम्स ही आ गया, तो बहुत क्लोजली आपको आउटकम्स आएंगे उसके. ठीक है, तो इसलिए वो ट्रू होगा. तो विच ऑप्शन विल मैच, एसर्शन और रीजन में से ए बी सी और डी? ऑप्शन विल मैच डी. यू कैन मार्क इट डी. सेकेंड क्वेश्चन इज इवेंट नंबर. इवन नंबर इज एन इवेंट. इवन नंबर इन केस ऑफ थ्रोइंग अ डाई गेटिंग एन इवन नंबर, दिस इज एन इवेंट और नॉट? ट्रू. व्हाई? Because we can get an even number by throwing the dice. या वेरी गुड. इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट मतलब कि कुछ ना कुछ आउटकम तो आएगी ना, जो आपके पास. प्लीज सिट डाउन बच्चे, प्लीज सिट डाउन. वेरी गुड. जो इवेंट होती है ना बेटा, इवेंट का मतलब कि आपने आउटकम आ गया, रिजल्ट आ गया आपके पास, तो जब डाइस थ्रो करोगे, तो इसलिए ये ट्रू होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट इज रीजन. आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक्स एन इवेंट. ऑफ कोर्स, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, फॉल्स. ट्रू या यस? कोई भी इवेंट होनी है, उसका जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आउटकम आएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा मेरे पास, आउटकम्स आएंगी, तो वो ट्रू होगा, इवेंट ही होगा वो. दैट इज ऑल्सो ट्रू. ऑफ कोर्स द ऑप्शन इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ थ्रो ऑफ डाइस इज 1/2. It's false. इट इज फॉल्स. व्हाई? Because व्हाई? there are three prime numbers in the dice. विच ऑल, कौन कौन से हैं प्राइम नंबर? कैन यू टेल मी? Then five. थ्री एंड फाइव. व्हाट एल्स? कोई और भी है प्राइम नंबर? कैन एनीबडी टेल मी? जब आप डाइस थ्रो करते हैं, प्राइम नंबर्स कितने आते हैं इसमें? Three प्लीज सिट डाउन बच्चे. या थ्री प्राइम नंबर्स आते हैं, कौन कौन से? and five. टू, टू थ्री एंड फाइव. वेरी गुड. सो टू थ्री एंड फाइव, जब टू थ्री एंड फाइव आ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास थ्री ऑप्शंस आ रही हैं. ये मतलब हुआ ना कि आपके पास थ्री पॉसिबिलिटीज आ रही हैं. आउट ऑफ व्हाट आउटकम्स कितनी हो सकती हैं? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? Six. सिक्स. या सिक्स? तो आफ्टर कटिंग व्हाट डू यू गेट? थ्री टू सिक्स, 1/2. सो आंसर इज ट्रू. इज इट ऑल राइट बच्चे? बेटा योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी करेक्ट. यू टोल्ड मी वेरी करेक्टली कि 3/6 आएगा. यस आएगा, बट उसको काटना भी है ना. ठीक है, उसको कट करने के बाद आपके पास 1/2 आंसर आया. 3/6 डायरेक्टली नहीं आ रहा है. जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन में ऐसा नंबर आता है जिसको आप कट कर सकते हो, लोएस्ट सम में कर सकते हो, प्लीज डू इट, वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट. ओके बच्चे, सो दैट इज द फाइनल आंसर एक्चुअली. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट वन, रीजन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज सेम एज दैट ऑफ कंपोजिट नंबर इन अ थ्रो ऑफ डाइस. प्रॉबिलिटी सेम फॉर बोथ? The या first प्लीज question टेल मी. assertion. There is a question on the toss of coin. Chance of getting head is 1/3. It can be true because it is the chance of getting the coin may stand straight. It has a प्रॉबिलिटी probability ऑफ of स्टैंडिंग विच इज standing the वेरी वेरी coin. लेस. वी जनरली वी डोंट काउंट एक्चुअली. यू आर वेरी मच राइट. यू आर वेरी मच राइट. योर डाउट इज वेरी वेरी आई कैन से दिस इज यू आस्क मी वेरी पिकुलियर क्वेश्चन. ओके एंड यस, यू आर वेरी मच राइट कि इट माइट हैपन. मैंने भी आपको बिगनिंग में बताया था, इट माइट हैपन, बट चांसेस आर वेरी वेरी लेस. कि तुम्हारा ये वो बेस कैसा है, जब आप कॉइन थ्रो कर रहे हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारा बेस कैसा है. ठीक है, इट देयर इज अ कंडीशन. ठीक है, तो किसके ऊपर आप कॉइन फॉल कर रहा है, वो खड़ा तभी होगा अगर उसको फ्लैट फेस मिल रहा है, कुछ नीचे बेस ठीक मिल रहा है. फाइन, अदरवाइज हेड एंड टेल तो सभी केस में आएगा, चाहे आप हैंड पे करो, मैं करो, कहीं भी करो, हेड और टेल तो आना ही आना, विच इज मेनी पॉसिबिलिटीज. बट वो स्टैंड कब करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर सर्फेस, कि तुम्हारा फ्लैट सर्फेस कैसा है. That too very less chances. That's why it is 1/2. Your doubt is clear, bache? Fine. Let us move ahead. And this is the last question. Which is same as that of composite number? This is true or false? Composite number and prime numbers are the same? Yeah. The third reason is true Reason is true. How? because there are six numbers in a dice and there are three prime numbers and three composite Three prime and three numbers. composite. Can you tell me what are composite numbers? Composite numbers कितने होते हैं? Prime. Yeah. Can you tell me what all? कौन कौन से हैं? One, four and six. 1, 4, and 6. Okay. These are prime. Sorry, these are sorry, composite 4 and 6. One is what? Neither a Prime prime or number nor a composite? Who will tell composite me? number. Then we will not count it. Yeah, one is neither prime nor composite. Two options. Fine. So this will be false.
which option is matching? C option is matching. All right, bache? You have to be, you know, in depth of the question, right? So concept is very much clear. I'm giving you homework this all. I think fourth question and fifth question, please try at home. Second, fourth is definite. You know, definite thing. Theorem है वो. Theorem को आप कभी भी change नहीं कर पाओगे. उसको एज इट इज ही फॉलो करना, चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, चाहे आप जॉब में भी चले जाओगे ना, पाइथागोरस विल थ्योरम विल नेवर चेंज. ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट कि उसके होमवर्क. ओके बच्चे, एंड लास्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, उसका मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो, और काफी बच्चों ने मेरे को रिप्लाई भी किया था, यू नो कि अगर वो इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी ही डेफिनेटली. सो प्लीज चेक देयर आंसर, दिस इज योर होमवर्क. ओके, ऑल द बेस्ट. गुड मॉर्निंग. चलिए जी, क्लास 8 स्टूडेंट्स, हैंड्स डाउन हैंड्स डाउन. सो वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स, गॉट द असाइनमेंट, वेरी इजी, राइट? सिट स्ट्रेट, सीधे बैठो. ठीक है, टेबल नहीं है बट फिर भी सीधे बैठो एक बार, जल्दी से. ठीक है जी, फर्स्ट फर्स्ट रो बॉयज. बेटे बातें नहीं, बातें तो बिल्कुल भी नहीं. 30 मिनट्स हमारे पास है. लेट्स सी कैसे हमने 30 मिनट्स जो है बहुत ही अच्छी तरह से स्पेंड करने हैं, राइट? सो गुड मॉर्निंग टीचर्स. सो वी वर डूइंग अबाउट, है ना, हमने क्या कहा था कि माइक्रोब्स हमारे फ्रेंड्स भी है एंड दे आर एविल्स आल्सो, एनिमीज आल्सो, राइट? माइक्रोब्स का नाम सुन के हमें क्या लगता है कि दे आर एनिमीज. लास्ट टाइम वी हैड डन द पार्ट कि हाउ माइक्रोब्स एक्ट एज एनिमीज, राइट? बट टुडे व्हाट इज अवर गोल? दैट कंपटीशन बिटवीन माइक्रोब्स और उन उस कंपटीशन दो लोगों के बीच में, जैसे हमने कहानी पढ़ी है ना कि दो बिल्लियों के बीच में एक रोटी के लिए कंपटीशन है, तो व्हाट द मंकी विल टेक यू नो एडवांटेज ऑफ दैट. तो इसी तरह से हियर गर्ल्स सेकेंड, बेटा बातें जब करते हो ना तो इट डिस्ट्रैक्ट्स टीचर, बिल्कुल सीधे इधर. तो जब दो माइक्रोब्स आपस में कंपीट करते हैं तो ह्यूमंस टेक एडवांटेज ऑफ दैट, राइट? सो हाउ वी विल टेक एडवांटेज ऑफ द कंपटीशन बिटवीन माइक्रोब्स, दैट वी विल लर्न. द सेकेंड इज हाउ माइक्रोब्स आर कॉजिंग डिजीजेस बट ह्यूमंस हैव फाउंड हाउ माइक्रोब्स दे हेल्प्स इन क्यूरिंग ऑफ द डिजीजेस बाय नेचुरल मेथड्स, नॉट बाय एंटीबायोटिक्स, बाय नेचुरल मेथड, राइट? बिल्कुल ध्यान से समझना है. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, दिस यू हैव डन. ठीक है जी, चलिए हम आगे की बात करते हैं. सो एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, है ना, ये हम ज्यादा, वैसे तो माइक्रोब्स किसमें, माइक्रोब्स की लाइफ साइकिल, माइक्रोब्स का स्ट्रक्चर, वो हम बायोलॉजी में बात करते हैं. बट व्हाट इज द केमिस्ट्री एक्शन, दैट फंक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स जो एसिड्स बनाते हैं, माइक्रोब्स जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वो सब हम किसमें पढ़ते हैं, दैट इज स्टडीड इन यू नो केमिस्ट्री बाय द प्रोसेस. द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, द एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोब्स जनरली इज कॉल्ड एज यूजफुल माइक्रोब्स जनरली इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, एंड फर्मेंटेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, राइट? अब हम बात करते हैं, यू कैन आस्क मी हाउ फर्मेंटेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्मेंटेशन, राइट? ठीक है जी, तो हु विल टेल मी व्हाट इज फर्मेंटेशन, जल्दी से, लास्ट में, लास्ट में सर. यस, The production of alcohol by yeast is called fermentation. इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन, राइट? प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल बाय माइक्रोब इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन, राइट? एनी अदर The process of conversion of sugar, alcohol into sugar, sugar into sugar by शुगर इन टू एल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, बट अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, इधर देखो बेटा, एवरीबडी हियर, कि अब हमने बात करनी है फर्मेंटेशन क्या चीज है. दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 11. फर्मेंटेशन इज द
they had studied. Class seventh. They had studied in class seventh respiration. Have you studied? Yes. So fermentation is anaerobic respiration, if you remember that. And you have done anaerobic respiration is alcoholic and lactic acid fermentation. Do you remember that? There is not only lactic acid, various acids, beta baate nahi, various acidic fermentation. Zaruri nahi ki lactic acid banta hai. बहुत सारे एसिड्स डिफरेंट माइक्रोब्स बनाते हैं. सिंपल एनारोबिक रेस्पिरेशन और दैट शुगर्स, शुगर्स ग्लूकोस भी हो सकती है, लैक्टोस भी हो सकती है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ शुगर्स. ठीक है, बहुत शुगर्स की, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, बहुत टाइप के होते हैं. तो शुगर्स ग्लूकोस, लैक्टोज एटसेट्रा, ये सब शुगर्स है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल और एसिड्स. और अगर अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल प्लस CO2 या फिर एसिड्स, दिस इज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन इज यू नो ब्रेक डाउन ऑफ. डेफिनेशन क्या है आप लिखो मत अभी, अभी आप जाके घर में यू कैन यू नो सी द वीडियो. एल्कोहल इज सॉरी, फर्मेंटेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स, कोई सी भी शुगर है, इन टू एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एसेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स, दैट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है कि शुगर्स, शुगर्स टूट रही है, शुगर के बॉन्ड्स टूट रहे हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. दिस इज नॉट रिवर्सिबल, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. दैट इज व्हाई इट इज ए, क्या है ये, केमिकल प्रोसेस है. इज इट ओके? जिसको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करे. एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड, जिसको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करेंगे. हाँ जी मैम, एक पीछे स्टूडेंट है जिसका हाथ खड़ा हो रहा है. नहीं, चलिए ऐसे ही लगा होगा मुझे, इट्स ओके. चलिए जी, तो फर्मेंटेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ, है ना? ठीक है, आपने मुझे बताया कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोस इनटू ने, थोड़ा सा साइंटिफिक अगर हम कहें तो ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स इंटू एल्कोहल प्लस CO2 और एसिड्स, दैट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, राइट? नेक्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट आर द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड थ्रू फर्मेंटेशन. तो आपने एक मुझे बताया, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल. ठीक है, तो एल्कोहल बेटा हम कह सकते हैं कि ये यूजफुल कैसे, एल्कोहल पीना तो ठीक नहीं है, बट एल्कोहल इज यूज्ड इन वेरियस अदर पर्पसेस, सच एज इन सम मेडिसिंस, सच एज इन सम इंडस्ट्रीज. सो एल्कोहल सिर्फ ड्रिंकिंग के काम नहीं आती, बहुत और चीजों के काम आती है. सो फर्स्ट इज एल्कोहल, सेकेंड इज बेवरेजेस. बेवरेजेस में आपने एक सेकेंड तो नहीं, एक तो हमने कहा एल्कोहल एंड सेकेंड इज योर सॉफ्ट ड्रिंक्स. सॉफ्ट ड्रिंक्स में बेटा सॉफ्ट ड्रिंक्स में अल्कोहल तो होती नहीं है, तो क्या चीज यूज करते हैं? अल्कोहल इज इवेपोरेटेड, देन व्हाट इज यूज्ड? हां जी, फर्स्ट रो में से लेफ्ट साइड में से बेटा थर्ड बॉय जो है वो, अच्छा चलिए, हां जी, डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. इन सॉफ्ट ड्रिंक्स हम कौन सी फर्मेंटेशन यूज करते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन.
एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आपको पता है फिज जो है, जब भी हम कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं जो उसकी फिज होती है, एकदम हवा निकलती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. अनदर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड एंड केक्स. हाँ जी, विच फर्मेंटेशन इज यूज्ड हियर? यस वानी, वन इज देयर. इज इट एसिडिक फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन? वानी विल टेल, वेयर इज वानी? हाँ जी सर, वानी उधर है राइट साइड में. हमने आपने मुझे बताना है ब्रेड की फर्मेंटेशन में कौन सी फर्मेंटेशन यूज होगी, ब्रेड की फॉर्मेशन में एसिडिक एसिडिक ब्रेड में बेटा कौन सा एसिड होता है? नहीं, जब हम बेटा ब्रेड बनाते हैं, बैठो सर को दो माइक. जब हम ब्रेड बनाते हैं ना बेटा, तो हम क्या डालते हैं उसमें? यीस्ट डालते हैं. यीस्ट जो है वो कौन सी फर्मेंटेशन करता है? एल्कोहलिक. तो एल्कोहलिक में एल्कोहल तो इवेपोरेट हो जाती है, राइट? एसिडिक नहीं, एल्कोहलिक. वानी इधर ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात. एल्कोहल इवेपोरेट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है तो क्या करती है? पोर्स क्रिएट कर देती है, राइट? तो इन ब्रेड फॉर्मेशन, केक फॉर्मेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बिकॉज एल्कोहल जब हम बेकिंग करते हैं ना बेटा, एल्कोहल इज इवेपोरेटेड. द कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज लिबरेटेड आउट, इट क्रिएट पोर्स इन द ब्रेड. वानी ने सुना? नहीं सुन लिया बेटा? सुना वानी ने? ठीक है सर, वानी को जरा माइक दो. हाँ जी वानी, कौन सी फर्मेंटेशन मैंने बताई ब्रेड में? एमिनिस्ट नहीं, यीस्ट तो ऑर्गेनिज्म यूज हुआ, फर्मेंटेशन कौन सी बताई? अल्कोहलिक की एसिडिक? हाँ, एमएफओ एल्कोहलिक. जो उसके पोर्स है वो किसके कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कि अल्कोहल के कारण? जो ब्रेड इतनी स्पॉन्जी होती है, इतने पोर्स होते हैं उसके अंदर, केक स्पॉन्जी होता है, किसके कारण है वो पोर्स? CO2 लिबरेट हो रही है बाहर उसके कारण कि अल्कोहल की इवेपोरेशन के कारण? वाले नहीं बेटा, CO2. तभी मैंने कहा मुझे यहां से दिखता है कि कितनी कंसंट्रेशन है. बेटा सुनो ध्यान से, ठीक है? दे दो माइक सर को. जब इधर देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है तो वो ट्रैप हो जाती है और जिसके कारण जो ब्रेड है, केक्स है, वो पोरस हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, राइट? बैठो. सो एल्कोहल जो पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्रेड्स एंड केक्स, इडलीज, है ना, जो स्पॉन्जी चीजें हैं, उन सब में क्या है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, राइट. द कर्ड, कर्ड में क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, राइट. तो कर्ड में बेटा शुगर कौन सी है? लैक्टोस. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इट कन्वर्ट लैक्टोस इनटू लैक्टिक एसिड. तो क्या हो गया? लैक्टिक एसिड तो फिर तो खट्टा हो जाएगा दूध, बट लैक्टिक एसिड ने क्या किया? इट कन्वर्ट, ध्यान से सुनना है, इट कन्वर्ट मिल्क प्रोटीन इनटू कर्ड. अभी मैं वो टर्म्स नहीं यूज करूंगी, कोएगुलेट्स एंड ऑल दैट, वो हम बात नहीं करेंगे, अभी छोटे बच्चे हो. तो लैक्टिक एसिड जो है मिल्क प्रोटीन को कर्ड में चेंज कर देता है. इज इट राइट? सो दीज आर द कर्ड, इडली, डोसा, ब्रेड, केक्स, ऑल दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन. इज इट ओके? बी एक्टिव, बी एक्टिव, डीप ब्रीथ. चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट आ जाता है. अब हम फ्लेमिंग की बात करेंगे. तो फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स, यस और नो? पता है आपको एंटीबायोटिक्स? यू नो, यस. एंटीबायोटिक्स मींस एंटीबायोटिक्स, एंटी मींस अगेंस्ट. सो
अगेंस्ट बैक्टीरिया, नॉट ओनली बैक्टीरिया बट फंजाई ऑल्सो. सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, पहले तो हम बात ये करें. केमिकल्स सिक्रीटेड बाय सम माइक्रोब्स अगेंस्ट अदर माइक्रोब्स. ना एमआर इंटरनेशनल. अगेंस्ट अदर माइक्रोब्स, दिस इज ड्यू टू कॉम्पिटिशन. एक जगह पर एक माइक्रोब रह रहा है, इट डज नॉट वॉन्ट दैट अदर माइक्रोब शुड कम देयर एंड लिव देयर, क्योंकि उससे क्या होंगे, पहले माइक्रोब्स के लिए रिसोर्सेस कम हो जाएंगे. हम क्या करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे घर में बहुत सारे लोग हों, कॉम्पिटिशन हो जाएगा. एक गली में डॉग्स होते हैं, वो दूसरी गली के डॉग्स को नहीं आने देते, अगेन टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, राइट? कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड स्पेस. ठीक है, हम किस लिए आपस में लड़ते हैं, खाने के लिए और जगह के लिए, मेन तो यही चीजें हैं, राइट? सो माइक्रोब्स दे कंपीट विद अदर माइक्रोब्स फॉर फूड एंड स्पेस. दे सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स विच डू नॉट अलाउ अदर माइक्रोब्स टू लिव, राइट? सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स सिक्रीटेड बाय सम माइक्रोब्स अगेंस्ट अदर माइक्रोब्स. अगेन टू रीजन क्या है, टू प्रिवेंट कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड स्पेस. एंड यू नो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की ओरिजिनल मैं स्लाइड की पिक्चर दिखा रही हूँ, ठीक है, कल्चर प्लेट की पिक्चर, तो इसलिए ध्यान से सुनना है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, कॉल्ड एज पेंसिलिन. एंड यू नो दैट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर पेंसिलिन डिड वंडर्स. उस टाइम पेंसिलिन के बारे में पता बहुत ज्यादा नहीं था, बट पेंसिलिन डिस्कवर हो गई थी और डॉक्टर्स ने थोड़ा थोड़ा उसको यूज करना शुरू किया था, जिसके कारण बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो ठीक हुए, उन्हें सेप्टिक, उनको इन्फेक्शंस नहीं हुई, राइट? मैम ये प्लीज ये देखें, ये आगे दो लड़के हैं, इधर देखिए आप, आपकी लेफ्ट साइड में द टू बॉय, सेकेंड एंड थर्ड बॉय, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, ये दो, ये फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्लास दे आर क्रिएटिंग न्यूसेंस, सेकेंड एंड द थर्ड बॉय, प्लीज सी. सो दीज आर एंटीबायोटिक्स, राइट? तो एंटीबायोटिक फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक्स. कौन सी एंटीबायोटिक, बाकी सब इधर देखें, दैट इज यू नो पेंसिलिन डिस्कवर की थी. और पेंसिलिन क्या करती है, पेंसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, किल मेनी माइक्रोब्स, यूज्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंडर ड्रग. आईएएस में क्वेश्चन आया था, विच इज नोन एज वंडर ड्रग. अब तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है, बट पेंसिलिन को वंडर ड्रग क्यों माना गया, क्योंकि उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वंडर्स किए थे. तो क्या देखा गया, कैसे पेंसिलिन डिस्कवर कैसे हुई, ऑल्दो दिस कंज्यूम टाइम बट आपको स्टोरी जरूर पता होनी चाहिए. पहले तो ये दिस इज कॉल्ड एज पेट्री प्लेट, ठीक है, ये ऐसे गोल सी, ये उल्टी करके दिखाइए, अदरवाइज दिस इज ए पेट्री प्लेट. और इसके अंदर आप ये देख रहे हो येलो येलो सा, इसको हम कहते हैं मीडियम, कल्चर मीडियम. जब हमने लैब्स में बैक्टीरिया ग्रो करने होते हैं तो हम इसमें ग्रो करते हैं, कल्चर मीडियम. कल्चर मीडियम क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द बैक्टीरिया, ठीक है? तो यस, ये ही कल्चर प्लेट, इसी की फोटो खींची हुई है. तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था वो ये बैक्टीरिया
स्टेफाइलोकोकस, आपको याद करने की जरूरत नहीं है बट मैं वैसे बता रही हूँ, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया उसने पेट्री प्लेट में ग्रो किया, ठीक है, बट किसी गलती की वजह से उसमें क्या हो गया, उसमें ये फंगस भी ग्रो करनी शुरू कर दी, पेनिसिलियम, दिस इज ए फंगस। वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, उसका इंटरेस्ट सिर्फ बैक्टीरिया में था, ही डज नॉट वॉन्ट टू द फंगस टू ग्रो इन दैट प्लेट, ठीक है, फंगस वो नहीं चाहता था, बट बाई चांस ड्यू टू सम मिस्टेक द फंगस स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो उसने ये कहा था कि ये जो है कल्चर प्लेट ये खराब है, इसको मैं धो देता हूँ, बट सडनली उसने क्या देखा कि जहां जहां पर भी फंगस ग्रो कर रही है वहां पे बैक्टीरिया मरने शुरू हो गए, फंगस के आसपास स्टेफाइलोकोकस अंडरगोइंग लाइसिस, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, मरने शुरू हो गए फंगस के आसपास। उसने कहा कि अच्छा फंगस में इतनी कैपेसिटी है कि ये बैक्टीरिया को मारना शुरू कर दे। देन व्हाट ही डिड, उसने देखो ये मैंने दिखाया है कि ये पेट्री प्लेट, इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी, ये बैक्टीरिया, साथ में आप ये देखिए ये कलर्ड मैंने बता दिया, अदरवाइज उसके बाद तो उसने क्या किया, ये वो फंगस निकाली, उसको पीस के, उसको छान के उसका सोल्यूशन बनाया, और सोल्यूशन को उसने इसके ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर स्प्रे कर दिया, एंड व्हाट ही ऑब्जर्व दैट ऑल बैक्टीरिया गेट्स किल्ड। फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड दैट दिस फंगस पेनिसिलियम इट इज सिक्रीटिंग सम केमिकल्स विच आर किलिंग बैक्टीरिया, एंड ही नेम्ड दिस केमिकल एज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स सिक्रीटेड बाय सम माइक्रोब्स अगेंस्ट अदर माइक्रोब्स। तो अब हमने क्या किया, हमने जो है अब हर माइक्रोब के केमिकल्स को देखना शुरू कर दिया और उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी, जिसके कारण हमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिली विच आर किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंजाई। इज इट ओके, चलिए। सो दिस इज एंटीबायोटिक्स, राइट, पेंसिलीन की मैंने आपको, तो एंटीबायोटिक्स किस में से हमें मिलती है, हमें बैक्टीरिया में से मेनली मिलती है, किसको मारती है, दूसरे बैक्टीरिया और फंजाई को। अब ये आप मुझे बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स किल माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, है ना, कोविड में ऑल दो डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स दी, बट जो WHO से इंस्ट्रक्शंस थी कि एंटीबायोटिक्स मत दो, कोविड में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, सो हु विल टेल, रेज योर हैंड्स, व्हाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट इफेक्ट वायरसेस, जल्दी से, कैन एनीबडी टेल, रेज योर हैंड्स। हाँ जी मैम, यहाँ पे एक बच्चे का हाथ खड़ा है फर्स्ट रो में, मैम, बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिज्म। वेरी गुड, तो हाउ डू एंटीबायोटिक्स एक्ट, वेरी गुड। दूसरे आपके आगे वाले स्टूडेंट को बेटा माइक दो कि बेटा एंटीबायोटिक्स का एक्शन क्या है, कैसे वो बैक्टीरिया को मारते हैं। पीछे बेटा जिसका हाथ खड़ा है पीछे, एक थर्ड रो में लड़का है उसको दो, यस हाँ बोलो। नहीं एंटीबॉडीज का तो नहीं काम है, एनीबॉडी कि हाउ डू एंटीबायोटिक्स एक्ट ऑन द माइक्रोब्स, हाउ डू एंटीबायोटिक्स किल माइक्रोब्स। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा, एनीबडी हु नोज, फर्स्ट टॉपिक जो सेल वॉल फॉर्मेशन, एक है सेल वॉल फॉर्मेशन, दिस इज वन, एनी अदर, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ, वेरी गुड, ये तो पेंसिलिन का हो गया, तो एंटीबायोटिक्स एक्शन ऑफ, हाँ जी एनीबडी हु कैन टेल, दिस इज
Very good, this is another cause. Very good. So, antibiotics. Role एंटीबायोटिक्स, या रोल की जगह हम कहेंगे एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. दे स्टॉप या इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ माइक्रोब्स. स्टॉप सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन माइक्रोब्स. राइट, सो दे किल. अगर किसी की, अगर किसी इंसान की स्किन उतार दोगे तो व्हाट विल हैपन? द ऑर्गेनिज्म विल डाई. इसी तरह बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल, फंजाई की अगर सेल वॉल नहीं मिलेगी, द ऑर्गेनिज्म द माइक्रोब्स विल डाई. इसी तरह से अगर प्रोटीन्स नहीं, माइक्रोब्स के अंदर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, चाहे वो माइक्रोब्स है चाहे वो अदर ऑर्गेनिजम्स है. सो इफ द प्रोटीन्स आर नॉट फॉर्म्ड, इवन देन द माइक्रोब्स डाई. राइट, सो हाउ डू एंटीबायोटिक्स एक्ट? बाय दीज टू. और भी मेथड्स है बट दीज टू आर मोस्ट कॉमन मेथड, बट दे डू नॉट इफेक्ट वायरसेस. तो एज द स्टूडेंट टोल्ड मी दैट वायरसेस, और हमने फर्स्ट डे भी किया था कि वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबोलिज्म. वायरसेस को अगर प्रोटीन्स चाहिए तो वो अपने प्रोटीन्स खुद नहीं बनाते हैं, वो हमारे प्रोटीन्स यूज कर लेते हैं अगर हमारे अंदर वायरल इंफेक्शन है. राइट, तो अगर वायरसेस अपने प्रोटीन्स बनाते नहीं तो एंटीबायोटिक्स उन पे इफेक्ट नहीं करेगी. सो एज वायरसेस, तो जो कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, हम उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं देते बिकॉज इट इज ए वायरल डिजीज. किसी को चिकन पॉक्स हो जाए, नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज ए वायरल डिजीज. बट अनदर, ये सबको पता होगा कि एक्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स आर हार्मफुल. वाई एक्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स आर हार्मफुल? बिकॉज दे किल द यूजफुल माइक्रोब्स ऑफ अवर बॉडी. दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज द रोल ऑफ यू नो एंटीबायोटिक्स. ओके, अगर हम अननेसेसरली बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? हमारा पेट खराब हो जाएगा. राइट, क्यों? क्योंकि हमारे पेट में बहुत सारे यूजफुल माइक्रोब्स है, वो भी मर जाएंगे. ठीक है जी, चलिए जल्दी से 1 2 3 4 5 जल्दी से ये क्वेश्चन करो. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अंशिका ने देना है. अंशिका इज देयर? चलो चलो बाकी क्या करो. मैम अंशिका को माइक देना प्लीज. बाकी के करो, आगे के क्वेश्चंस करो, वो अंशिका आंसर देगी. डू अदर को. मैम ऑल ऑफ द अबव. यस, ऑल ऑफ द अबव. कर्ड, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ब्रेड एटसेट्रा. वेरी गुड. हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता बेटा. अभिनव, अभिनव गांधी. कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज गैस रिलीज ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3. यस, तेजस. क्वेश्चन नंबर 3, तेजस. तेजस बेटा, यहाँ पे वार्म शुगर सॉल्यूशन है और उसमें यीस्ट डाल दी है, उधर लाइम वाटर है. व्हाट विल हैपन टू द लाइम वाटर? पहले तो मुझे ये बताइए, लाइम वाटर क्या होगा? सेम रहेगा कि मिल्की हो जाएगा? मिल्की
मिल्की, क्यों? क्योंकि यीस्ट क्या रिलीज कर रही है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड. व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन ए? यस, हु विल टेल मी? अवनी, अवनी इज देयर? अवनी, शुगर सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? यीस्ट की हेल्प से. कौन सी फर्मेंटेशन करती है यीस्ट? अल्कोहलिक की एसिडिक? अच्छा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. वेरी गुड अवनी, बैठो बेटा. सो शुगर सॉल्यूशन चेंजेस इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. किसी को नहीं पता, लिख लेना असाइनमेंट में. शुगर सॉल्यूशन चेंजेस इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. विच गैस इज रिलीज? कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट चेंजेस? लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, राइट? हाँ जी. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. दक्ष, दक्ष इज देयर? मैम, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ यीस्ट। फर्मेंटेशन बाय यीस्ट इज यूजफुल टू यीस्ट बिकॉज? नहीं बेटा, अल्कोहल नहीं. मैंने आपको क्या बताया था? रेस्पिरेशन. ऑल ऑफ दीज नहीं बेटा, रेस्पिरेशन से क्या मिलता है बेटा ऑर्गेनिज्म को? आप मुझे वैसे ही जनरल बताओ. एनर्जी। एनर्जी. तो फर्मेंटेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन है. सो आंसर इज ए. ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करिए जल्दी से, फटाफट. फर्स्ट वन इज वायरल। फर्स्ट वन इज कफ एंड कोल्ड इज ड्यू टू वायरल डिजीज. वेरी गुड. सेकंड बताइए. वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिज्म। वेरी गुड. थर्ड बताइए. हम सेल वॉल फॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट बताइए. फोर्थ क्वेश्चन प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रोब अगेंस्ट। बेटा. प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रोब अगेंस्ट अदर माइक्रोब. केमिकल्स दैट रिड्यूस कंपटीशन अमंग माइक्रोब्स, ये भी ठीक है. केमिकल्स दैट कैन किल बैक्टीरियन फंजाई बट डू नॉट इफेक्ट वायरसेस. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव. बिल्कुल ठीक है. मैम अगर मुझे 2 मिनट दें तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा दूँ. बस 2 मिनट, राइट? आई थिंक इट्स 9:10 ऑलरेडी. 2 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से. वैक्सीनेशन. हाँ जी बेटा. ट्रू इट इज ट्रू। कौन सा है बेटा? पार्ट अननेसेसरी यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज हार्मफुल. दिस इज ट्रू. रीजन, एंटीबायोटिक्स किल यूजफुल बैक्टीरिया ऑफ अवर गट. ये रीजन इसका आंसर है. यस, दिस इज द आंसर, राइट? एक्सेस. सो आंसर इज ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स. ए पार्ट. वायरस। चिकन पॉक्स, अभी आपको बताया. वायरस. वेरी गुड. नेक्स्ट बी पार्ट. एंटीबायोटिक। वैक्सीन कंसिस्ट्स ऑफ, नहीं बेटा, डेड माइक्रोब्स. वी फॉर टेन माइक्रोब्स। हाँ, ये मैं बस लास्ट में, ये असाइनमेंट हम नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे. हम बस इसको थोड़ा सा, मैं आपको लास्ट जो है ये कंसेप्ट हम समझा दें. सो व्हाट इज, हम बात कर रहे हैं वैक्सीन. वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन्स दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स बाय एक्टिवेटिंग अवर इम्यून सिस्टम. बाय एक्टिवेटिंग अवर इम्यून सिस्टम. हम क्या करते हैं वैक्सीन्स में? और जब बहुत सारा कोई भी माइक्रोब अंदर चला गया, बहुत सारी इंफेक्शन होगी, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है बट इतना नहीं होता कि वो सब
उन वायरसेस बैक्टीरिया को मार सके। दैट्स व्हाई वी गेट द डिजीज। बट व्हाट हैपेंस इन वैक्सीनेशन, वी इंट्रोड्यूस वीक वायरसेस या वीक माइक्रोब्स और डेड माइक्रोब्स इन अवर बॉडी दैट डू नॉट, हमने वीक डाले हैं, उन्होंने हमें डिजीज तो नहीं किया, बट व्हाट दे कॉज, दे कॉजेस एक्टिवेशन ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, अवर पुलिसमैन, जिसकी वजह से जब वो एक्टिवेट हो गए तो जब दोबारा से माइक्रोब्स अंदर एक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, दैट पुलिसमैन विल क्विकली कम्स इनटू एक्शन। जैसे हम आपके स्कूल में किया ना कि फायर फाइटिंग के लिए हम एक मॉक ड्रिल करते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, हमने तैयार रहना है कि अगर आग लग गई तो हम फटाफट से बुझा देंगे, आग लगती नहीं है। तो इसी तरह वैक्सीनेशन है, डिजीज नहीं हुआ बट हमने माइक्रोब्स, वीक माइक्रोब्स डाल दिए ताकि हमारी पुलिस एक्शन में आ जाए, जब स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स, एक्टिव माइक्रोब्स अंदर जाएं तो हमारी पुलिस फटाफट से उसको काबू में कर ले। तो हमारी पुलिस क्या है, दैट इज एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो वैक्सीन्स क्या है, दीज आर डेड और वीक माइक्रोब्स विच डू नॉट कॉज डिजीज बट एक्टिवेट अवर इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडीज। ठीक है जी, तो इसमें मैक्सिमम चीजें मैंने आपको समझा दी है बेटा। सिर्फ अगली बार, ऑल्दो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, बट इसकी तीन असाइनमेंट्स आपको दी है, तीनों लेके आना बेटा, ताकि उनमें से जो जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं वी विल डू दैट राइट, आपने मुझे आंसर्स उसके बता देने। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, थैंक्स अ लॉट टीचर्स फॉर योर कोऑपरेशन। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, चलो जल्दी से, ओके बेटा, बाय।